हे गाइस, हेलो एंड नमस्ते। मेरे चैनल अंकिता अलावादे रियल लाइफ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आ रही हूँ तो वो बहुत ही अलग वीडियो होगी। जी हाँ, हम लोग जो है कुछ टाइम पहले ही गए थे वैष्णो देवी। तो मैंने सोचा कि वैष्णो देवी के जो जो एक्सपीरियंस हम लोग ने मतलब वहां पे लिए हैं वो सारी चीजें आप सबके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि अगर हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें अगर नॉलेज मिल जाती है तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। जैसे कि आप बात कर लेते हैं सबसे पहले कि टिकट की, तो हम लोग गए थे हेलीकॉप्टर से, तो कैसे उसकी टिकट बुक होती है और कौन सी ट्रेन आपके लिए बेस्ट होगी, और शॉपिंग की बात कर लें या फिर बहुत सारी चीजें जैसे कि, और वहां पे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं लाइक, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिससे कि आकर आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो ये वीडियो आई थिंक आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो बस इसी को सोचते हुए मैं आपके लिए व्लॉग्स लेके आ रही हूँ। तो आज का सबसे पहला व्लॉग्स जो है वो मेरे हस्बैंड बताएंगे, क्योंकि सारी टिकट वगैरह जो भी थी वो मेरे हस्बैंड ने बुक की थी, और देन उसके बाद कैसे ट्रेन की टिकट्स आप बुक कर सकते हो, कौन सी ट्रेन बेस्ट है, तो वो सारी चीजें आपको मेरे हस्बैंड आज बताएंगे। तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। और हाँ, इस व्लॉग को जो है मैंने कई पार्टीशन में डिवाइड करूंगी क्योंकि कई सारे टॉपिक्स हो गए हैं, और उसे एक वीडियो में अगर बनाऊंगी मैं तो वो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इसलिए मैंने जो है उसे कई पार्टीशन में डिवाइड किया है, तो आपको वन बाय वन करके जो वीडियोज जो है वो मिलती जाएंगी। तो बनी रहिएगा मेरे इस वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है तो प्लीज 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 मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आपको माता धाम जाना हो, माता वैष्णो देवी कटरा के लिए, तो आप कैसे जो है हेलीकॉप्टर टिकट बुक करेंगे, और आप जो है कैसे ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मैं आपको इसी एक सिंगल वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं एक्सप्लेन करने स्टार्ट करता हूं। अगर आपको सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये देखनी होती है कि अवेलेबिलिटी है कि नहीं है आपकी हेलीकॉप्टर की। तो सबसे पहले तो आपको अगर जाना हो तो आप पहले हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करना ज़्यादा प्रेफर करें। सबसे पहली चॉइस आपकी ये होनी चाहिए अगर आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है, तो उसके बाद ट्रेन की टिकट आप देखेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर सपोज कीजिए आपकी ट्रेन की टिकट जो बनती है वो 4 महीने पहले बनती है, अगर आपको कहीं जाना हो तो 120 दिन पहले का टिकट बना सकते हैं आप। लेकिन या अगर आपको हेलीकॉप्टर की टिकट अगर चाहिए तो वो आपको 60 दिन पहले ही अवेलेबल होती है। सपोज कीजिए आपने ट्रेन की टिकट अपनी बना ली और आपको हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं मिल पाई, तो इस केस में या तो आप अपनी ट्रेन की टिकट कैंसिल करते हैं, या फिर अगर आप वहां जाते हैं तो आपको हेलीकॉप्टर से जाने का लुत्फ़ आप नहीं उठा पाएंगे। आपको फिर या तो पैदल जाना पड़ेगा या फिर आपको जैसे वहां पे घोड़े वगैरह होते हैं उनसे जाना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी अगर जो प्रेफरेंसेस देखी जाए तो सबसे पहले तो मैं यही करता हूँ। मैंने तो गाइज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पर गूगल क्रोम पर क्लिक करेंगे, और क्रोम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे हम लिखेंगे वैष्णो देवी ऑनलाइन सर्विसेज, VASHN वैष्णो देवी, मेरे में आ गया। मैंने भी सर्च कर रखा था पहले से, इसलिए मुझे दिखा रहा है। इधर फोकस ले लो। वैष्णो देवी ऑनलाइन सर्विसेज, इसे लग के हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा सबसे पहला वाला लिंक, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ऑनलाइन सर्विसेज लॉगिन, जैसा कि यहाँ दिख रहा है www.maavaishnodevi.org लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस पर, तो यहाँ पे एक ये पेज खुल के आएगा ऑनलाइन सर्विसेज का, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। सो गाइज, यहाँ से हम आई एग्री करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये आपका लॉगिन ऑप्शन दिखता है यहाँ पे। अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो आप जो है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं न्यू यूज़र साइनअप पे। यहाँ पे क्लिक करने पे आपको ये एक पेज खुल के आएगा जहाँ पे आप इसे फिलअप करके रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी यूज़र आईडी खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरी ऑलरेडी यूज़र आईडी इसमें बनी हुई है, तो मैं इसमें होम पेज पे जाऊंगा। फिर से होम पेज पे जाने के बाद यहाँ पे आई एग्री करना पड़ेगा मुझे।
देन जय माता दी। और अब मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। लॉगिन आईडी है मेरी ANKITA अंकिता, AMRIT अमृत, और पासवर्ड जो कि मैं आपको अभी कुछ भी डाल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद जो है मैं अपना ओरिजिनल पासवर्ड डालूँगा। तो गाइज, पासवर्ड डालने के बाद जो है आपको इस तरह की विंडो खुल के आएगी। तो जैसे यहाँ पे लिख कह रहा है मेरी टिकट पहले से बनी हुई है, तो यहाँ पे लिख कह रहा है योर लास्ट 5 ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, तो आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपनी हेलीकॉप्टर टिकट बुक करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर लिंक दिख रहा है आपको सबको, ये दिख रहा है हेलीकॉप्टर सर्विसेज। और आपको यहाँ पे डोनेट, ऑनलाइन यात्रा पर्ची, अटका आरती दर्शन, हेलीकॉप्टर सर्विसेज, रूम बुकिंग, इंडिविजुअल पूजा, SSVP पूजन, भेंट एंड प्रसाद, ये सारे ऑप्शन आपको इसमें दिखेंगे। आपको जो चीज़ चाहिए आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं यहाँ पे, अवेलेबल हैं। अगर किसी को आरती में जाना हो, आरती दर्शन करने के लिए, तो उसकी भी अलग से पर्चियाँ कटती हैं, और वहाँ पे आप कर सकते हैं जाकर करके परचेज़ करके उसे। अब मुझे जैसे हेलीकॉप्टर सर्विसेज चाहिए, तो मैंने हेलीकॉप्टर सर्विसेज पे क्लिक किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप डेट देखिए, कौन सी डेट में आपको जाना पसंद करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रूट दिखाता हूँ मैं आपको। कटरा सांची छत ग्लोबल वेक्टर, कटरा सांची छत हिमालय वेक्टर, हिमालय, ये दो तरीके के यहाँ पे चलते हैं। उसके बाद आपको कटरा सांची छत कटरा, ये कंबाइंड पेयर है। अगर आप कटरा टू सांची छत लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ कटरा से सांची छत जाने का टिकट बुक किया है आपने। रिटर्निंग की टिकट आप चाहें तो फिर अलग से बुक कर सकते हैं, वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, सांची छत टू कटरा, ठीक है। और अगर आपको कंबाइंड टूर चाहिए कटरा सांची छत कटरा, तो भी आप उस पर क्लिक करके उसे ले सकते हैं। अब जैसे सपोज़ कीजिए मैंने कंबाइंड लिया है कटरा सांची छत कटरा ग्लोबल वेक्टर से। अब पर्सन नंबर ऑफ पैसेंजर 2 एंड डेट, सबसे बड़ी चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया 2 महीने पहले, जैसे आज आज 2 दिसंबर है, तो आपको जो टिकट मिलेगी वो आपको लास्ट 31 जनवरी तक की मिल रही है। दैट मीन्स 60 डेज ओनली। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो आपको गेट अवेलेबिलिटी पे देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी टिकट्स फुल हो चुकी हैं, 7:30 AM की, 7:37 AM की, और रिटर्निंग की 11:05 की। देख रहे हैं, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। यहाँ पे एक टिकट खाली है 14:24 पे, दैट मीन्स कि 2:24 पे, और रिटर्निंग की है 8:32 पे, 8:32 AM फॉर नेक्स्ट डे। आप जैसे सपोज कीजिए कि अगर आप आज जाएंगे, तो अगले दिन आपको वापसी की टिकट मिलेगी इसमें। तो इसलिए आपको ये काउंटर जो खुलता है इसका, आई थिंक 9 बजे खुलता है। तो गाइस, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ जाएंगे हेलीकॉप्टर सर्विसेज में, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था। तो जैसे कि मैंने टिकट जो ली है वो पहले जाने के लिए है, और फिर जो है मैंने रिटर्निंग की टिकट ली है। सपोज कीजिए मैं जाने की लेता हूँ सिर्फ ग्लोबल वेक्टर से, एंड गेट अवेलेबिलिटी देखता हूँ 31 जनवरी की, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अवेलेबल नहीं है सीट। तो सांची छत हिमालयन में देखते हैं, ओ एक सीट अवेलेबिलिटी है यहाँ पे खाली। और जैसा कि आप फेयर देख सकते हैं 957 रुपीज़ है ओनली। तो यहाँ से आप इसकी टिकट बुक कर सकते हैं, इजीली बुक कर सकते हैं आप। लेकिन आपको एक सावधानी ये बरतनी पड़ेगी, अगर आप टिकट इससे बुक करते हैं, तो आपको जितने भी आपके पास जो ऐसे आपने जो भी आपने आईडी वगैरह बना रखी है अपनी, और जिस क्रेडिट कार्ड से आप ट्रांजेक्शन करते हैं, वो लेके जाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको जो है एक मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या लेके जाना है। हाँ, तो जैसे ये लिखा हुआ है
कि द पैसेंजर मस्ट कैरी द क्रेडिट कार्ड क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट कार्ड इन ओरिजिनल थ्रू विच द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन मेड विदाउट विच द रिजर्वेशन ऑब्लिक बोर्डिंग विल बी डिनाइड विदाउट एनी रिफंड ऑल पैसेंजर मस्ट कैरी अ वैलिड आईडी प्रूफ वैलिड फोटो आईडी एंड एड्रेस प्रूफ विदाउट विच बोर्डिंग विल बी डिनाइड पास ऑब्लिक जैसे इसमें एग्जाम्पल दिए हैं पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी पैन कार्ड और क्रेडिट कार्ड विद फोटो ठीक है। और आपको जो है 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। जैसे कि मेरी ये जो बुक हुई है रिटर्निंग की है ये मेरी 16:15 पे बुक हुई है, टाइमिंग लिखी हुई है 16, तो इस पे 4:15 की, तो इसमें आपको मुझे 3:15 तक वहाँ पहुंचना होगा सांची छत पे रिटर्निंग के लिए। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कर सकते हैं। हाँ, और अगर आपको यात्रा पर्ची चाहिए तो यात्रा पर्ची के लिए भी आप यहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं, यात्रा पर्ची यहीं से ले सकते हैं ऑनलाइन। तो यात्रा पर्ची का भी एक टाइम है, आप जो यात्रा पर्ची अगर आपको बुक करनी है तो उसके लिए आपको सुबह 10 बजे से आई थिंक 4 बजे के बीच में बुक होती है, तो इसी बीच में आपको बुक करनी पड़ेगी, या 4 बजे या 2 बजे के बीच में ही है शायद आई थिंक। लेकिन आपको याद रखिए कि 10 बजे आपको यात्रा पर्ची बुक कर लेनी है अगर आपको यात्रा पर्ची ऑनलाइन लेनी है तो ठीक है। तो यहाँ पे हम वापस जाते हैं होम पे अपने, यहाँ पे हमने लॉगिन कर रखा था। सो गाइस, हम यहाँ पे पहले जाएंगे हेलीकॉप्टर सर्विसेज पे और हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कटरा टू सांची छत ग्लोबल वेक्टर से ठीक है। और नंबर ऑफ़ पैसेंजर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमें 2 लोगों के साथ जाना हो। और हम जाएंगे 31 जनवरी में, गेट अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको अवेलेबिलिटी अवेलेबल नहीं है कोई भी सीट। फिर हम दूसरा सेलेक्ट करते हैं हिमालयन व्यू से, इसमें भी अवेलेबिलिटी नहीं है आपके पास। कटरा सांची छत कटरा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 अवेलेबल सीटें हैं। सपोज कीजिए मैं आपको एक ही बुक करके दिखाता हूँ, एक बुक नाउ ठीक है। तो आपको ये खुल के आएगा एक विंडो, तो इसमें आप जो है रूट कटरा सांची छत कटरा लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पैसेंजर 1, डिपार्चर टाइम 15:29 AM पे दिखा रहा है, डिपार्चर टाइम रिटर्न के लिए दिखा रहा है नेक्स्ट डे 9:16 के लिए। तो यहाँ पे आपको अपना एक पैसेंजर नेम देना पड़ेगा प्रोशीट, और सपोज कीजिए पैसेंजर नेम दे दिया मैंने ANKITA अंकिता एंड फीमेल एज 26। यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर देना पड़ेगा या फिर जो भी आपके पास हो, आधार कार्ड बैंक पासबुक क्रेडिट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस गवर्नमेंट आईडी प्रूफ पैन कार्ड पासपोर्ट स्टूडेंट आईडी कार्ड वोटर आईडी कार्ड क्रेडिट कार्ड, इस तरह से ही ऑप्शन दिए गए हैं जो आपको सेलेक्ट करने हैं। जैसे मैंने सपोज किया आधार कार्ड पे सेलेक्ट किया, और यहाँ पे फिर आपको आईडी प्रूफ नंबर देना पड़ेगा। सपोज ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिज आधार कार्ड नंबर हो गया ये, एंड द कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे करने के बाद हम जो है प्रोसीड पे करेंगे, प्रोसीड टू बुक। देखिए ये प्रोसेसिंग हो रहा है और ये आ गया हमारा नया पेज खुल के आया है जहाँ पे हमने इसे, अब मैं यहाँ पे जो इसमें आपको दिख रहा है आपको एक कोड दिखेगा जो आपको टाइप करना है, डिक्टो आपको ऐसे ही टाइप करना है F5YN9 पे नाउ। तो पे नाउ पे क्लिक करने के बाद हमें देखिए सिक्योर पेज पे ले जा रहा है जहाँ पे हमारा एक पेमेंट गेटवे खुलेगा HDFC स्मार्ट हब। तो यहाँ पे हम जाकर के पे विद पे क्लिक करेंगे। सपोज कीजिए मुझे अदर बैंक क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का नंबर डालिए अपना और यहाँ पे सब कुछ भरिए आप, क्रेडिट कार्ड का नंबर, योर नेम, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर, CVV
एंड एंटर द कोड, एंटर द कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे लिखा है DGU68 टाइप करना है आपको, और 1,005 रुपये आपको करके पे कर देना है। तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ क्योंकि मुझे ने टिकट अब ऑलरेडी बुक कर रखी है। सो गाइस, 1,005 रुपये की आपकी एक टिकट बुक होगी। अगर आपको जाने की चाहिए तो 1,005 रुपये खर्च करने पड़ेंगे पर पैसेंजर। सेम चीज़ रिटर्निंग के लिए अगर है, अगर आप रिटर्निंग भी करना चाहते हैं तो 1,005 रुपये आपको खर्च करने होंगे। लेकिन गाइज मैं आपको बताऊं, हेलीकॉप्टर का एक अपना अलग मज़ा है आपको। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे यात्रा पर्ची भी बुक कर सकते हैं ऑनलाइन ही, जिसकी टाइमिंग जो है आपको यात्रा पर्ची अभी अवेलेबल नहीं हो पाएगी। ये टाइमिंग आपको 10 बजे से 2 बजे के बीच ही अवेलेबल होगा। अगर आपको यात्रा पर्ची लेनी है तो आपको 10 से 2 के बीच में यात्रा पर्ची बुक करनी होगी। ठीक है गाइस, उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे रूम भी बुक कर सकते हैं अगर आपको रूम चाहिए तो। गाइस मैं आपको अब दिखाता हूँ कि आप ट्रेन की टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। आप एक को एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, यहाँ पे लिखिए IRCTC, तो ये आपका IRCTC रेल कॉन्टैक्ट आएगा एक ऐप, उस पर आप क्लिक करके उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। हालांकि मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ। फिर से बोलो, बोले बहुत ठंडी लग रही है। तो गाइज मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ट्रेन टिकट पे। हालांकि मेरी अपनी आईडी बनी हुई है अमृत मिजा के नाम से। अगर आपकी आईडी नहीं बना रखी है तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्टर्ड यूजर पे क्लिक करके आप अपनी नई आईडी बना सकते हैं IRCTC की वेबसाइट पे, जहाँ से आप इजीली टिकट जाने आने की, कहीं भी आपको जाना हो, नॉर्थ इन वैष्णो देवी आपको कहीं भी जाना हो तो आप उसकी इजीली टिकट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डालता हूँ और लॉगिन करते हैं। ठीक है, लॉगिन कर लिया और ये वेरीफाइंग यूज़र करके आएगा। तो यहाँ पे ये पेज आपको खुल के आ गया। यहाँ पे आप कीजिए प्लान माय जर्नी, प्लान जर्नी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली NDLSE आ जाएगा अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे हम AT, ये आ गया श्री माता देवी, श्री माता वैष्णो देवी VD वैष्णो देवी कटरा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट करूँगा, मुझे ऐसे जाना था 31 जनवरी को जाना है, तो मैं ओके करके यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं माय डेट विद फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल विद डेट। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको इसमें सबसे अच्छी ट्रेन बताता हूँ, जो कि बेस्ट ट्रेन है, जो कि डायरेक्ट आपको कटरा तक लेके जाएगी और आप इजिली सोते हुए जाइए और सुबह पहुँच जाएंगे। उस ट्रेन का नाम है श्री शक्ति एक्सप्रेस, 22461 उसका कोड है। आप इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे मैंने AC 3 टायर, ये फुल्ली AC ट्रेन है, AC 3 टायर पे बुक टिक किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 फरवरी को इसमें RAC हो गई है और यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 फरवरी को 82 सीटें खाली हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक बुक नाउ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए दिखा हुआ है डू यू वांट टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस, ₹49 पर पैसेंजर। तो आप यहाँ पे ज़रूर टिक कीजिए येस। नाउ ऐड पैसेंजर करते हैं, नाम लिखते हैं सबसे पहले AMRIT अमृत, एज डालता हूँ मैं अपनी 31, आई एम अ मेल। बर्थ प्रेफरेंस भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, लोअर मैंने लिया और इंडियन तो मैं हूँ ही, डन। अब उसके बाद आप यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ANKIT, ए अंकिता, S26 फीमेल, बर्थ मिडल हैं जो भी आपको डालना हो, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे प्रेफरेंसेस भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कंसीडर ऑटो अपग्रेडेशन। सपोज़ कीजिए ऐसे कभी कभी होता है कि आपने वेटिंग की टिकट ली हो
और अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो अगर AC 2 टायर में आपकी सीटें खाली होती हैं और AC 3 टायर में भर जाती हैं तो आपकी सीट ऑटो अपग्रेड हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, और आपको AC 2 टायर का फेयर नहीं देना पड़ेगा, आपको AC 3 टायर में आपको AC 2 टायर का मज़ा मिलेगा। तो प्रेफरेंसेस आप ज़रूर सेलेक्ट कीजिए कंसीडर ऑटो अपग्रेडेशन पे। ठीक है, डन करते हैं यहाँ पे। अब बस हम आपको यहाँ पे बुक टिकट करते हैं, और ये आ गया आपको एक कोड लिखने के लिए। आप देख सकते हैं प्राइस कितना गया है मेरा, 2020.98 हम दो लोगों के लिए, तो TF L3। नाउ ओके, प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ पे आ गया है ई वैलेट, भीम ऐप, जो भी आपको सेलेक्ट अच्छा लगे। मैं भीम UPI पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे वैसे सबसे अच्छा माना जाता है पेटीएम, तो आप पेटीएम से कर सकते हैं। मैं भी पेटीएम और इस वाले को सेलेक्ट करता हूँ, वीज़ा डेबिट कार्ड को, और करता हूँ पे पे। नाउ अब सेलेक्ट करते हैं हम क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड नंबर डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे, एक्सपायरी ईयर, CVV नंबर, एंड प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे आप, तो इसके बाद आपका ये पूरा प्रोसेस हो करके आपकी टिकट बन जाएगी। सो गाइस, बधाई हो, आप लोगों ने टिकट बनाना सीख लिया कैसे बनाते हैं। मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ से, और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे आपको रिटर्निंग की भी टिकट चाहिए होगी तो आप यहाँ से SVDK to NDLS कर सकते हैं, और अगर आप 31 तारीख को गए हैं तो आपको ऑब्वियसली 2 जनवरी को, हालांकि लोग 1 तारीख को ही वापस आ सकते हैं, लेकिन हमने 2 दिन का गैप इसलिए लिया है क्योंकि हम जो है जाएंगे शिवखोड़ी। सो गाइज, बाय बाय।